हेलो एवरीवन, माइनस माड़ी आदि को सीकर लोग। तो आज हम आ गए बजाज शोरूम और हमारे पास आज है N250 और इसकी आज हम फुल डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं और आज इसकी हम एग्जॉस्ट की पावर भी आपको सुनाएंगे और इसमें एक जो डबल एग्जॉस्ट है वो भी मैं आपको दिखा। सो गाइज, ये फुल्ली डिजिटल मीटर और इसमें फुल्ली सेंसर लगा हुआ है। ये आपको ABS दिख रहा है, ये इंडिकेटर है, ये न्यूट्रल है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये गियर शिफ्टिंग है, ये खड़े में अभी नहीं हो रहा है। और हम बात करें, यहाँ बैटरी की दी हुई है, फ्यूल का दिया हुआ है, हेडलाइट्स अपर डीपर है वो भी दिया हुआ है। ये गाड़ी जैसे स्टार्ट होगी वो हो जाएगी, हेडलाइट जल जाएगी। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है हेडलाइट्स का दिख रहा है, ये आपको इंडिकेटर देखो चेंज हो रहा है अभी। और ये जो आपको दिख रहा है मीटर, ये गियर शिफ्टिंग का है। ये देखो अपने आप चेंज हो रहा है ना गाइस। ये सबसे अच्छी लगी मुझे चीज़ इसमें, जो बजाज ने काफ़ी हद तक सुधार किया है। और ये आपको टाइमिंग प्रॉपर वे में दिख रहा है और ये आपको फ्यूल सिस्टम दिखेगा, ये कितना किलोमीटर जाएगी कितने लीटर पर। तो ये भी बजाज कंपनी ने ओपन कर दिया है, आप उसको आराम से टेस्ट कर सकते हो, एवरेज कितना देती है। सो गाइज, हम बात करें अगर पीछे की, तो पीछे आपको ये इंडिकेटर्स, फुल LED इंडिकेटर्स नहीं है ये। और अगर बात करें इसके बैकलाइट की, तो बैकलाइट आपको फुल्ली LED सिस्टम मिलती है। तो गाइज, ये हो गई आपकी फुल्ली LED बैकलाइट और ये रहा इंडिकेटर, इसको भी हम जला के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया LED इंडिकेटर्स, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। बजाज कंपनी ने इसे भी थोड़ा चेंज कर दिया है, ये हालांकि फ्लेक्सिबल है, मे भी काफ़ी मजबूत लग रहा है मुझे। तो आइए इसकी फाइनल हम इसकी एग्जॉस्ट और इंजन की बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले इसके इंजन की, तो 8750 RPM के साथ 24.5 देती है ये हाई पिकअप। बात करें इसकी गियर की, तो ये पहला शिफ्टिंग आपको नीचे की तरफ जाता है और बाकी सब ऊपर जाता है और टोटल इसमें गियर शिफ्टिंग 5 है। तो मैंने इसके टायर के बारे में बता दिया है, बट इसमें गाइस मुझे थोड़ी सी खामियां लगी, इसमें लेडी फुटेज नहीं है, लेडीज़ वगैरह को मे भी बैठने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी सब मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट करके बताएं। और इसकी सॉकर की बात हमने नहीं की है, वो भी बता दे रहे हैं। इसकी सॉकर आपको सिंगल सॉकर मिलती है, उसकी पावर के बारे में अगर जानना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये डिटेल में सारा कुछ बताया हुआ है। बाकी सब मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, एंड में बस यही बोलूँगा, अगर आपको कुछ लेना है तो आप बजाज शोरूम आ सकते हो। सो गाइज, फाइनली हमारे पास ऑल इन वन पल्सर 160 हाजिर है, रेड कलर के ये। और इसकी फुल डिटेल वीडियो आज मैं आपको कमिंग सून में रख रहा हूँ और मैं जो इसकी